सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। माय नेम इज जस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जे एस जस्टा व्लॉग्स। सो इस वक्त ये वीडियो आप तो या तो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो। तो जहाँ पे भी देख रहे हो आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसे कि पता है आपको संडे है एक्चुअली आज, तो हमारे यहाँ पे ना एक्चुअली मेला लगा है जई में, जई का विश्व। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ, देखते किस तरह का रहने वाला है। एक्चुअली हमारे वाला जो रोड है ना बंद है, क्योंकि हमारे जो रोड है जो लिंक रोड तो ऊपर है उसमें ना जेसीबी आई है, तो वहाँ पे कुछ काम चला हुआ है। तो मेरी जो स्कूटी है वो जंगल में रखी है मैंने कल रात को, तो वहाँ से मैं पैदल आया, तो मैं वहाँ तक जा रहा हूँ अभी। तो वहाँ से जाऊँगा मैं स्कूटी पे और फिर आपको दिखाता हूँ कि मेला किस तरह का रहने वाला, क्या क्या चीज़ें हैं मेले में, मज़ा आएगा आपको। तो मेरी जो धन्नू है भाई वो यहाँ पर रहती है आजकल जंगल में 2 दिन से मतलब, और आप देख सकते हो मेरी जो सीट कवर है वो फाड़ दिया बच्चों ने, काट दिया यार ब्लेड से, इसको भी बनाना पड़ेगा। और इस जगह पे ना हमारा रोड ख़राब है, तो आगे वहाँ पे जेसीबी लगी वो बन रही है अभी रोड, तो 1-2 दिन में हमारा जो पूरा रोड है वो बन के तैयार हो जाएगा इस जगह से, और उसके बाद मैं यहाँ से अपनी स्कूटी जो अपने घर तक जो है ले जा पाऊँगा। सो गाइस फाइनली यार मैं जो है ना जई में पहुँच चुका और यहाँ पर ना भाई काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी है, तो मैंने अपनी जो स्कूटी यहाँ पर पार्क कर दी है और अब यहाँ से चलते ऊपर की तरफ। और धूप इतनी ज़्यादा है ना आज की, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल जो ढोल नगाड़े होते हैं ना उसकी आवाज़ आ रही है ऊपर से, तो चलते देखते क्या हो रहा है ऊपर। सो गाइस मैं अभी आधे रास्ते में पहुँचो, लोकेशन देखोगे ना, हाय कितनी धूप लगी है आज। ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इसके पीछे स्कूल है, और यहाँ से नीचे देखो यार, नीचे ना नदी बह रही है और इतना मस्त लग रहा है ना यहाँ से नीचे देखने पे, पूरी रोड में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो गाइस जल्दी से यहाँ से ना ऊपर चलते हैं, ऊपर ना हमारा जो ठोडे का जो खेल होता है, जो ट्रेडिशनल खेल होता है वो खेला जा रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जाते ही, बहुत मज़ा आएगा आपको। यहाँ खिलाड़ी के समक्ष इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। पहाड़ों की संतराओं में लगने वाले ये मेले हमारे ऐतिहासिक धरोहर भी है और सांस्कृतिक विरासत भी है, और इन मेले के आयोजन के माध्यम से जहाँ हम अपने कुलीन आराध्य कुल देवी देवताओं का सम्मान आदर करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, उसके साथ साथ बहु बेटियों को भी मेले के रूप में मिठाई के रूप में उनको उनका हिस्सा बांटा भी हम प्रदान करते हैं। मेले के माध्यम से जब फूल अपने गांव से आते हैं तो नरमुंडों द्वारा स्थापित अपनी ठौर की आराधना करते हैं और अपने कुल देवी देवताओं की आराधना भी करते हैं। इसके लिए देना है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा, और 1 लाख रुपया जो है मंदिर के सभी पेयजल संग्रहण टैंक के लिए मैंने दिया है बैतपुर में ही, उसके लिए भी मैंने अनिता जी से अनुरोध किया है कि उसका वो जल्दी से निर्माण करें। इसके साथ साथ 2 स्कूलों के लिए 2,000 की राशि मैंने पूर्व में दे दी है, और आप जो 2 खून यहाँ पर है मैं अपनी ओर से आपको भी
इनामात के तौर पे 2000 रुपए देने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के लोगों को जो कुछ करना है वो अपनी जेब से करना होता है। जिस तरह से विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के लिए मेले में जाने के लिए, कई आयोजनों में जाने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान, सो गाइज मैं अभी नीचे से ऊपर की तरफ आ गया हूँ जहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप गोलगप्पे, चाट वगैरह के जो स्टॉल यहाँ पे भी लगे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझको अच्छी लगी ये लगी कि यहाँ पे डस्टबिन भी है, तो नीचे आप देख पा रहे हो जहाँ पे लोग होते हैं चाट पापड़ी और गोलगप्पे वाले, वहाँ पे काफ़ी गंद रहता बट यहाँ पे साफ है नीचे, तो ये बात अच्छी लगी देख के मुझे। और यहाँ पे टैटूज़ वाले भी बैठे अगर आपको टैटू वगैरह बनाने, और लोग ना ऊपर ऊपर तक पता नहीं कहाँ कहाँ तक बैठे हुए हैं। आइसक्रीम वाले बहुत ज़्यादा बैठे हैं, आइसक्रीम वाले तो जगह जगह पे है ना, सबसे ज़्यादा तो आइसक्रीम वाले 4-5 जगह देख लिया मैंने। क्या यहाँ पे ये कौन से गेम खेलिए खेली तूने? भाई गोल गप्पे वाले थोक में बंदे ना, कौन सी गेम है? इतनी गेम है ये देखा, देख रहा कि भाई सतोन में नमस्ते चाची। ये क्या लक्की से होना? हाँ लक्की से होना भाई। ये वाली गेम तो मैंने खेली है, मेरी फेवरेट गेम है ये वाली, तो ये वाली गेम मस्त होती है वाली। चप्पले चुपले भी है यहाँ पे, चप्पले स्वेटर स्वेटर भाई साहब भी है। सो गाइज यहाँ पे ना दिखाने के लिए बहुत कुछ था, तो मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए आपने कुछ लेना है वो सब कुछ है, ये क्या बोलते हैं चेन वगैरह जो होती है, घड़ियाँ वगैरह होती है, सॉक्स मोजे वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पे, और ये ऐनक वाले भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पे, तो मतलब काफ़ी सारी स्टॉल्स लगी थी। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा के मैं कहाँ पहुँचता हूँ लास्ट में जाके, एक मिठाई वाली शॉप पे। बर्तन वाले तो इतने सारे मिले यहाँ पे ना, 100-100 रुपये में बर्तन बेच रहे, तो ये एक अच्छी बात है कि मतलब जो आपको मार्केट में अगर बाज़ार से लेते हो आप 200-250 का बर्तन पड़ता है आपको पतीला वगैरह, तो यहाँ पे ना 100-100 रुपये में बेच रहे थे सब लोग, 100 की सेल लगा रखी थी सभी ने। तो भाई सबसे ज़्यादा जो रश है वो यहाँ पे है, क्योंकि ये मिठाई की दुकान है, अब मिठाइयाँ तो जाती है घर को बहुत सारी। सो गाइज मेले में मुझे मिल चुका है मेरा पार्टनर जो होता था, अगर आपने देखा होगा पहले वाले ब्लॉग में जब मेरे पास कार वॉशिंग वाली शॉप थी, तो वहाँ पे यही काम करता था सुरेश बाजी। तो हम लोग अभी आइसक्रीम खा रहे क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है ना गाइज यहाँ पे, आप पूछो मत यार कसम से। और लोग ना जगह जगह बैठे हुए, काफ़ी सारे लोग हैं, बाकी तो खाने का मेरे को मन नहीं कर रहा। बर्गर वगैरह है सब कुछ यहाँ पे, मोमोज़ है, चाउमीन है, चाट पापड़ी है, मज़ा आ गया सर। और यहाँ पे ना एकदम मस्त वाली जो है हवा चल रही है, आप देख पा रहे हो मेरे नीचे ना, नीचे वहाँ पे ना नदी बह रही है, पता नहीं कहाँ से लाई ऐसे आइसक्रीम, उसको मैंने आइसक्रीम के लिए भेजा और ऐसी आइसक्रीम लाई है जी पूरी पिघली हुई है, पूरी मेल्ट होगी मेरे पास पहुँचने से पहले ही। सो गाइज मेन जो कुछ भी था दिखाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया, बट इस मेले में बस एक चीज़ मिसिंग थी कि यहाँ पे ना झूला नहीं था, बाकी सब कुछ था यहाँ पे। काफ़ी सारी जो है लकी ड्रॉ वगैरह, लकी 7, और बच्चों के लिए बहुत सारी खेलने की आइटम थी यहाँ पे, और खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ है।
चाट पापड़ी वगैरह जिसमें मैंने आपको बताया, बर्गर, चाउमीन, मोमोज वगैरह, और मैं जलेबी लेके आया हूँ घर के लिए। इसमें बस एक झूला मिसिंग था, तो अभी चलता हूँ घर की तरफ। इतना ही कुछ था इसमें दिखाने के लिए। लगभग मैंने यहाँ पे 3 से 4 घंटे जो स्पेंड किए, तो अभी यहाँ से चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि मैं अकेले हूँ, बाकी फिर आगे मिलता हूँ। सो गाइस, अभी मैं वापस आ चुका हूँ, घर की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने ना आज स्कूटी नीचे रखी है मेन रोड पर, क्योंकि भाई ऊपर मशीन लगी हुई है और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है आज, तो रोड फिर से जो है ब्लॉक हो सकता है, ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने स्कूटी नीचे रखी है। तो लास्ट टाइम ना जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी और स्लॉटर हाउस वगैरह गिरे थे शिमला में, मंदिर भी गिरा था, कुल्लू में 2-3 बिल्डिंग्स गिर गई थी, तब यहाँ पे ये मंजर हुआ था, देख पा रहे हो मेरे पीछे। और नीचे वहाँ पे ना इतना बड़ा पत्थर है ना कि नीचे जो है घर वगैरह बच गए उससे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये देखो लगभग 27 की 28 पेड़ गिरा हुआ यहाँ पे गाइस, बहुत नुकसान हो रखा है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस, इस वाले ब्लॉग में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बस यही था कि मेला था तो मैं वहाँ पर गया था और वापस आ गया। आने वाले टाइम में आपको जो मस्त मस्त जो है व्लॉग्स देखने को मिलने वाले इसी चैनल पे, सो आप बने हुए रहिएगा। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।